দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তামিলেরই কিন্তু তিনটা সিটি খুব ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং সিটি, মানে কি ডেভেলপ করছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে ঢাকা, চিটাগাং এগুলা নিয়ে বেশি 50% মানুষ শহরে বসবাস করবে। স্বাগতম সবাইকে বিটশোর রিঅ্যাকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও আরেকটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা দেখব 10টি ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং সিটি, মানে হচ্ছে দ্রুত গতিতে যাচ্ছে, এরকমই তো দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো আজকের ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে টপ 10 ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং সিটিজ ইন ইন্ডিয়া, নিউ ইন্ডিয়া অ্যান্ড এমার্জিং ইন্ডিয়া। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্মার্ট সিটি গাইড, ওনাদের ভিডিও লিঙ্কটি আমাদের ভিডিও নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা ওখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি। टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में सभी के सभी भारतीय शहर हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व की 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में 17 सिटीज इंडिया से बिलोंग करती है। लेकिन इससे पहले हमारे देश के शहरीकरण के प्रमुख आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश भारत काफी तेजी से अर्बनाइज्ड हो रहा है। वर्ष 1901 में हमारे देश की 11.4% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1951 में किए गए सर्वेक्षण के बाद हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 17% हो गई, और यह सिलसिला निरंतर जारी रहा। और वर्ष 2001 के सेंसस के बाद हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 28.53% हो गई। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017 में हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 34% तक जा चुकी है। अर्थात भारत में प्रत्येक 3 में एक व्यक्ति वर्तमान में शहरी क्षेत्र में निवास करता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2030 तक हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 40.76% हो जाएगी। और ऐसा अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक हमारे देश की अर्बन पॉपुलेशन बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाएगी, अर्थात हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करने लगेगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश के शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है। शहरों के विस्तारीकरण को देखते हुए हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में अर्बन डेवलपमेंट एक्ट लागू किया जा चुका है, जबकि कुछ प्रमुख शहरों में यह लागू करना काफी आवश्यक है ताकि हमारे देश के शहरों का सुनियोजित विस्तार हो पाए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिए गए आंकड़े को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी किया गया है, और एनुअल GDP ग्रोथ के आधार पर इस सूची को बनाया गया है। नंबर 10 पे बात करते हैं विजयवाड़ा के बारे में। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इस सूची में 10वें नंबर पर स्थान हासिल करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में विजयवाड़ा शहर की नॉमिनल GDP 5.6 बिलियन यूएस डॉलर थी। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, और इसकी GDP सालाना 8.16% के दर से ग्रो कर रही है। इस अनुसार विजयवाड़ा शहर की टोटल नॉमिनल GDP वर्ष 2035 तक 21.3 बिलियन US डॉलर हो जाने का अनुमान है। और जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती का निर्माण विजयवाड़ा के नजदीक किया जा रहा है, तो अमरावती के ऑपरेशनल हो जाने के बाद विजयवाड़ा शहर को भी बूस्ट मिलेगा। नंबर 9 पे बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही चेन्नई हमारे देश के प्रमुख मेगा सिटीज में से एक है। इतना ही नहीं, वर्तमान में चेन्नई ऑटो हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT हब बन चुका है, और हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर्स में भी काफी बूस्ट कर रहा है। वर्ष 2018 में चेन्नई की नॉमिनल GDP 36 बिलियन यूएस डॉलर थी, और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चेन्नई की GDP ग्रोथ सालाना 8.17% की दर से ग्रो कर रही है। अर्थात 2035 तक चेन्नई की नॉमिनल GDP 136.8 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 15 वर्षों में चेन्नई वर्तमान के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं तिरुचिरापल्ली के बारे में। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और तमिलनाडु राज्य के साथ साथ हमारे देश का एक प्रमुख उभरता हुआ शहर है। तिरुचिरापल्ली को तिरुचि या त्रिची के नाम से भी जाना जाता है।
और यह शहर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तिरुचिरापल्ली में बहुत सारी कंपनीज, खासकर फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की कंपनीज अपना सेटअप डेवलप कर रही है। वर्ष 2018 में तिरुचिरापल्ली की नॉमिनल GDP 4.9 बिलियन यूएस डॉलर थी और इस शहर की GDP सालाना 8.29% की दर से ग्रो कर रही है। अर्थात 2035 तक तिरुचिरापल्ली की नॉमिनल GDP 19 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। नंबर 7 पे बात करते हैं राजकोट के बारे में। राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है और हमारे देश का एक प्रमुख शहर है जो कि तेजी से ग्रो कर रहा है। खासकर राजकोट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से हो पा रहा है। वर्तमान में राजकोट में एग्रो, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, वुडन, रबर एंड प्लास्टिक, केमिकल, मिनरल, इंजीनियरिंग यूनिट्स, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स इत्यादि बेस्ड इंडस्ट्रीज काफी तेजी से ग्रो कर रही है। वर्ष 2018 में राजकोट की नॉमिनल GDP 6.8 बिलियन यूएस डॉलर थी और यह सालाना 8.33% की दर से ग्रो कर रही है। अतः 2035 तक राजकोट की नॉमिनल GDP बढ़कर 26.7 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 15 वर्षों में राजकोट वर्तमान के मुकाबले लगभग 4 गुना बढ़ चुका होगा। नंबर 6 पे बात करते हैं तिरुपुर के बारे में। तिरुपुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह तमिलनाडु का प्रमुख उभरता हुआ शहर है और तिरुपुर को नीट सिटी ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नीट का अर्थ होता है बुनाई का काम। अतः वर्तमान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और गारमेंट इंडस्ट्रीज तिरुपुर में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और नीट वियर गारमेंट्स के क्षेत्र में तिरुपुर ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली है। वर्ष 2018 में तिरुपुर की नॉमिनल GDP 4.3 बिलियन यूएस डॉलर थी जो कि सालाना 8.36% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक तिरुपुर की नॉमिनल GDP बढ़कर 17 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। नंबर 5 पे बात करते हैं नागपुर के बारे में। नागपुर शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी शहर है आफ्टर मुंबई एंड पुणे। नागपुर शहर महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है। इसके साथ ही हमारे देश का एक प्रमुख उभरता हुआ शहर है। नागपुर को इंडिया की ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन संतरे के उत्पादन के साथ साथ नागपुर काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिनमें IT सेक्टर, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा सेक्टर्स इत्यादि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से विकास देखने को मिला है। वर्ष 2018 में नागपुर की नॉमिनल GDP 12.3 बिलियन यूएस डॉलर थी जो कि सालाना 8.41% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक नागपुर की नॉमिनल GDP बढ़कर 48.6 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। अर्थात आने वाले 15 वर्षों में नागपुर वर्तमान की अपेक्षा लगभग 4 गुना बढ़ चुका होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही हमारे देश का एक प्रमुख उभरता हुआ शहर है। इतना ही नहीं, हैदराबाद विश्व के प्रमुख शहरों में अपनी पहचान बना रहा है, इसीलिए हैदराबाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेजी से उभरता हुआ शहर है। हैदराबाद की IT इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज पूरे विश्व में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में काफी उछाल देखने को मिला है। वर्ष 2018 में हैदराबाद की नॉमिनल GDP 50.6 बिलियन यूएस डॉलर थी जो कि सालाना 8.47% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार हैदराबाद की नॉमिनल GDP 2035 तक बढ़कर 201.4 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले 15 वर्षों में हैदराबाद वर्तमान की अपेक्षा लगभग 4 गुना बढ़ चुका होगा। नंबर 3 पे बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु कर्नाटका राज्य की राजधानी के साथ साथ कर्नाटका राज्य का सबसे बड़ा शहर है और हमारे देश का पांचवा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसके साथ ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेजी से उभरता हुआ शहर है। वर्तमान में बेंगलुरु हमारे देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड IT हब है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में रियल इस्टेट मार्केट ने भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वर्ष 2018 में बेंगलुरु शहर की नॉमिनल GDP 70.8 बिलियन यूएस डॉलर थी और यह सालाना 8.5% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक बेंगलुरु की नॉमिनल GDP बढ़कर
283.3 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। अर्थात आने वाले 15 वर्षों में बेंगलुरु शहर आज के मुकाबले लगभग 4 गुना ग्रो कर चुका होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं आगरा के बारे में। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और हमारे देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगरा भारत के साथ साथ विश्व का दूसरा सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है और पिछले कुछ वर्षों में आगरा पर्यटन के साथ साथ एग्रो, स्टील्स, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, केमिकल्स, सीमेंट्स इत्यादि सेक्टर्स में भी काफी तेजी से विकास देखने को मिला है, जिसके कारण सर्विस सेक्टर्स और रियल इस्टेट में भी ग्रोथ दर्ज हुई है। वर्ष 2018 में आगरा की नॉमिनल जीडीपी 3.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि सालाना 8.58% की दर से ग्रो करने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक आगरा की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 15.6 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी, जो कि वर्तमान के मुकाबले लगभग 4 गुना बढ़ोतरी होगी। नंबर 1 पे बात करते हैं सूरत के बारे में। सूरत शहर गुजरात राज्य में स्थित है और यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और हमारे देश का एक प्रमुख शहर है। इसके साथ ही सूरत विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है। जैसा कि आपको पता है कि डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत शहर में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। सूरत को द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया या द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में रियल इस्टेट और सर्विस सेक्टर ने भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वर्ष 2018 में सूरत की नॉमिनल जीडीपी 28.5 बिलियन यूएस डॉलर थी और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एस्टिमेशन के अनुसार यह सालाना 9.17% की दर से ग्रो करने का अनुमान है, जो कि वर्तमान में विश्व के किसी भी शहर के एनुअल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक सूरत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 126.8 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। अतः आने वाले 15 वर्षों में सूरत वर्तमान की अपेक्षा 4 गुना से भी अधिक ग्रो कर चुका होगा। इस प्रकार यह सभी शहर हमारे देश की आर्थिक तरक्की में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो এখানে যে টপ 10 ফাস্টেস্ট গ্রোইং সিটির কথা বলা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে যে ছোট সিটি থেকে বড় সিটির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং যাদের আর্নিং বাড়ছে, মানে গ্রোইং সিটি মিনিংটা হচ্ছে যে অলরেডি ডেভেলপ হয়ে রয়েছে এরকম কোন সিটি না। না, এগুলো ডেভেলপ হচ্ছে, দিনকে দিন ডেভেলপ হচ্ছে, কারণ ইন্ডাস্ট্রিগুলো যেগুলো সে বারবার বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আসছে এবং কাজের ক্ষেত্রগুলো বাড়ছে, যে ইনভেস্টমেন্ট আসছে, যার কারণে এগুলো দিনকে দিন কিন্তু বাড়তেছে। যেমন লাস্টে যে সুরাত যে সিটিটার কথা বলো, সেখানে ডায়মন্ড ফ্যাক্টরি এবং টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি কিন্তু আসছে, যার কারণে ওখানে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, মানুষজন আসছে এবং ডেভেলপমেন্টের যে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে চেঞ্জগুলো আছে ওগুলো কিন্তু চোখে পড়তেছে। তো সেখানে হচ্ছে তাদের জিডিপিও বাড়তেছে। তো সবগুলো সিটিতে সেরকমই ঘটনাই ঘটতেছে যে কোনো না কোনো কোম্পানি বা বাইরের ইনভেস্টমেন্ট আসছে এবং আস্তে আস্তে করে প্রত্যেকটা শহরে কিন্তু তাদের নিজস্ব মানে গতিতে আগাচ্ছে, তাদের নিজস্ব যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু তারা দেখাচ্ছে। আর তামিলের কিন্তু তিনটা সিটি খুব ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং সিটি এবং হচ্ছে এখানে বেঙ্গালুরুকেও দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরু গ্রোয়িং সিটি। হ্যাঁ, বেঙ্গালুরু আগে থেকে ডেভেলপ এবং এখন আরো বেশি গ্রোয়িং যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবং এখানে চেন্নাইকেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না যে ভারতের পূর্ব পাশের যে শহরগুলো আছে, হ্যাঁ, যে প্রদেশগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের পূর্ব পাশে পড়েছে, সে সমস্ত শহর কিংবা সিটিগুলো কি আসলে গ্রোয়িং আপ হচ্ছে না, ওখানে কি ডেভেলপ হচ্ছে না? আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টপ 10 দেখিয়েছে এখানে সর্বোচ্চ বেশি, মানে যে 10টা আছে সেই 10টাকে দেখে নিশ্চয়ই হচ্ছে, না হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের দেশেও যেমন সব শহরেই কিন্তু কম বেশি আগে থেকে জনসমাগম হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, তারপর মানুষজনের ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে, কিন্তু সবাই আসলে ঢাকা চিটাগাং এগুলো নিয়েই বেশি দেখায়, কারণ এই দুইটা শহরে বেশিরভাগ মানুষ কাজ হয়। তো সেই কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে না, হয়তো বা অন্য 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 সিটিতেও কাজ হচ্ছে, কিন্তু এই 10টাতে বেশ সর্বোচ্চ পরিমাণ চোখে পড়ার মতো কাজ হচ্ছে দেখে এই 10টাকে সে দেখিয়েছে। বুঝতে পেরেছি। আর একটা বিষয় হচ্ছে, ভিডিও শুরুতে সে বলছিল যে ইন্ডিয়াতে যেটা হচ্ছে যে আগামী 2050 সালে নাগাদ 50% মানুষ শহরে বসবাস করবে। হ্যাঁ, এটা একটা অনেক বড় সংখ্যা, কিন্তু সবাই শহরের একটা আমেজ পাবে যে
যত জনসংখ্যা আছে তার অর্ধেক লোকই শহরের আমেজটা পাবে, তো শহরের ফ্যাসিলিটিস পাবে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা বড় অর্জন হবে, কারণ আসলে সব মানুষকে এটার আওতায় আনাটা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, আমাদের দেশে কিন্তু এটার জন্য একটা অন্য ধারা আর চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট করছে, সেটা হচ্ছে গ্রামকে শহরে পরিণত করছে। হ্যাঁ, গ্রামে সেই ক্ষেত্রে গ্রামে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস দেওয়ার চেষ্টা করছে, আর এখানে হচ্ছে যে শহরটাকে বড় করে তৈরি করা হচ্ছে যাতে করে মানুষজন আসে এবং সেখানেই থেকে সেখানে কার ডেভেলপমেন্ট হয়। এটা দুইটা দুই ধরনের প্রসেস আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, যেহেতু এখানে গ্রামটাকে যে গ্রামে শহরে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে সেটাকে দিবে, আর একটা হচ্ছে যে না শহরের মতো শহরের মধ্যে ইনক্লুডেড হয়ে যাবে, সবাই শহরের মতো করে সব সব কিছুই পাবে। এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট, আমরা আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের যে অর্থনীতি সেই বিষয়টাকে মাথায় নিয়ে আমরা আসলে কাজ করছি, এবং ইন্ডিয়া হচ্ছে তার ডেভেলপমেন্ট এবং তাদের যে ফিনান্স রিলেটেড ইস্যুগুলো আছে এগুলোকে সামনে রেখে কাজ করছে। সেটা তো অবশ্যই, আর যেহেতু সেটা অনেক বড় একটা রাষ্ট্র, তার আসলে অনেকটা পার্ট, আর আমাদের দেশটা তো অনেক ছোট একটা দেশ বলবো, তো সেক্ষেত্রে আসলে দুই দেশের নীতিগত দিকও আলাদা থাকবে, আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটা ভালো ছিল, আমাদের পছন্দ হয়েছে এবং বিভিন্ন শহর সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।